नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। राज्य में 26 दिसंबर से बंद रहेंगे स्कूल। ठंड और कोहरे के बीच शिक्षा विभाग का आदेश जारी। सर्दी को देखते हुए बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूल को 26 दिसंबर से बंद रहने का आदेश जारी किया है। ठंड और कोहरे के बीच शिक्षा विभाग का आदेश सर्दी को देखते हुए जारी किया गया है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार यानी 23 दिसंबर 2022 को आदेश जारी किया गया है, जो राज्य के सभी सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। बिहार में पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ रही है। सर्दी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद करने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग की ओर से यानी शुक्रवार को 23 दिसंबर 2022 को आदेश जारी किया गया है, जो राज्य के सभी सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। हालांकि आदेश के अनुसार यानी शीतलहर को मद्देनजर रखते हुए बिहार में 26 से 31 दिसंबर 2022 तक सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं आपको ये भी बताते चलिए कि मौसम की स्थिति को देखते हुए स्कूल बंद की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में आज यानी शनिवार को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक बना रहने का अनुमान बताया गया है। वहीं आपको बता दें कि अगले दो दिन में कोहरे और शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। हाल ही में बिहार सरकार ने साल 2023 में स्कूलों की छुट्टियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि बिहार स्कूल हॉलीडे कैलेंडर 2023 के अनुसार अगले साल 365 दिन में 121 दिन स्कूल बंद रहने वाले हैं। इसमें त्योहारों की छुट्टियां, गर्मी की छुट्टी और सर्दी की छुट्टी भी शामिल की गई है। बता दें आपको कि बिहार में ठंड के साथ साथ बहुत ज्यादा लगातार बढ़ रही है। उत्तर बिहार के करीब 19 जिलों में कल यानी शुक्रवार को घना कोहरा छाया रहा है। वही बात अगर दक्षिण बिहार की करें तो बिहार में आंशिक सुधार आया है। कई जिले ऐसे भी हैं जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर सबसे ठंडा शहर रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।